Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के महाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के वार थम ना सके, वबा ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 41 जिंदगियों के चिराग उजाड़ दिए, जबकि एक ही दिन में 1050 नए मरीजों की तशखीस हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दो रोज़ा सरकारी दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनके एजाज़ में तोपों की सलामी भी दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज़ रशीद की अपील मुस्तरद करके सेनेट इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। परवेज़ रशीद कहते हैं, मुझे बेबुनियाद इल्ज़ाम पर नाअहल किया गया। मरियम नवाज ने परवेज़ रशीद को जमहूरियत की रोशन अलामत का नाम दे दिया। 9 जनवरी की शब पूरा मुल्क अंधेरे में डूबने की वजूहत सामने आ गई। नेपरा ने मुल्क में बिजली ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए, बरतानवी फर्म ने शरीफ फैमिली को 20,000 पाउंड अदा कर दिए। वकला की जानिब से रकम की वसूली की तस्दीक। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला तरीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। कोरोना वायरस से 41 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,658 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 573,384 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,050 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,68,348, सिंध में 2,56,445, खैबर पख्तूनख्वा में 71,146, बलूचिस्तान में 18,993, गिलगित बल्तिस्तान में 4,951, इस्लामाबाद में 43,623, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,878 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 87,52,533 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,978 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,36,243 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,616 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 41 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,658 हो गई। पंजाब में 5,237, सिंध में 4,293, खैबर पख्तूनख्वा में 2,043, इस्लामाबाद में 493, बलूचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 291 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने दौरे में श्रीलंका के सदर और अपने हम मनसब से अलहदा अलहदा मुलाकातें करेंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, ज़रात और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ उमूर में दो तरफा तआवुन के फ़रोग पर बातचीत होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान पहले अपने दो रोज़ा सरकारी दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया
और उनके एजाज में तोपों की सलामी भी दी गई। वजीर आजम इमरान खान के कोलंबो पहुंचने पर उनके श्रीलंकन हम मनसब महिंद्रा राजा पाकसे ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। कोलंबो एयरपोर्ट पर वजीर आजम के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वजीर आजम इमरान खान को कोलंबो पहुंचने पर उनके एजाज में तोपों की सलामी भी दी गई। वजीर आजम के दौरे के मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रजाक दाऊद, मुआवन खसूसी जुल्फी बुखारी भी उनके हमराह हैं। वजीर आजम इमरान खान अपने दौरे में श्रीलंका के सदर और अपने हम मनसब से अलहदा अलहदा मुलाकातें करेंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, ज़राअत और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ उमूर में दो तरफा तआवुन के फरोग पर बातचीत होगी और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ज्वाइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद की रिटर्निंग ऑफिसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। ट्रिब्यूनल ने भी परवेज रशीद को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद की रिटर्निंग ऑफिसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। ट्रिब्यूनल ने भी परवेज रशीद को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। परवेज रशीद के वकील ने दलाइल में कहा कि परवेज रशीद 28 घंटे पैसे लेकर फिरते रहे, किसी ने रकम वसूल नहीं की। इलेक्शन कानून के मुताबिक अगर उम्मीदवार के इल्म में कोई यूटिलिटी बिल वगैरह नहीं है तो वो अदा कर सकता है। अदालत में पंजाब हाउस के कंट्रोलर मौजूद हैं, वो आजमात देने के लिए तैयार हैं। ये कैश लेना चाहते हैं तो एक घंटे के वक्फे तक कैश दे देंगे। परवेज रशीद का ज़राए बलाग़ियामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि मुझे बेबुनियाद इल्ज़ाम पर नाअहल किया गया, सरकारी कागजात में मुझे नादहंदा जाहिर किया गया, इंसाफ वाले अब दहंद और धांधी वाले हो गए। पंजाब हाउस की इंतजामिया इंसाफ वालों की इंतजामिया है, कागजात रुकवाने हों तो कहते हैं परवेज रशीद से पैसे लेने हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की सैनेट की नशस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ परवेज रशीद की अपील मुस्तरद करने पर कहा कि परवेज रशीद सोच, नज़रिए और जमहूरियत की रोशन अलामत का नाम है। परवेज रशीद जमहूरियत के जाबाज सिपाही की हैसियत से कौमी सियासत का सरमाया रहेंगे। नेपरा ने मुल्क में बिजली ब्रेक डाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में ब्लैक आउट की वजह गुद्दू पावर प्लांट और स्विच यार्ड के दरमियान सर्किट की तब्दीली को करार दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क में बिजली ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक ब्लैकआउट गुद्दू पावर प्लांट और स्विच यार्ड के दरमियान सर्किट की तब्दीली के दौरान हुआ। ब्रेकडाउन से बड़ी ट्रांसमिशन लाइन्स ट्रिप कर गईं, शुमार और जुनूब में बिजली का लोड गैर मुतवाजन हो गया। नेपरा ने गुद्दू पावर प्लांट इंतजामिया की गफलत, अमले की तकनीकी तरबियत की कमी और NTDC के बोसीदा निज़ाम को ब्रेकडाउन का जिम्मेदार ठहरा दिया। 9 जनवरी रात 11:40 पर पूरा मुल्क अंधेरे में डूबने की वजूहात सामने आ गईं। नेपरा ने बिजली ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक जुनूब में शुमाल की नस्बत बिजली की पैदावार ज्यादा थी। गैर मुतवाजन पैदावार से मुकम्मल ब्रेकडाउन की सूरत हाल बनी। NTDC मजमू तौर पर 22 घंटे में बिजली बहाल करने में कामयाब हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बहाली पर फौरी काम शुरू हुआ। कुछ पावर प्लांट्स को बहाल करने में देर लगी। के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स गैस की कमी के बायस बंद थे। के इलेक्ट्रिक ने भी टपाल और गुल अहमद पावर प्लांट्स को चलाने की कोशिश की। ज्यादातर पावर प्लांट्स 27 घंटे के अंदर ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट हो गए। पिन बिजली के पावर प्लांट्स ने 20 घंटे में पैदावार शुरू की। के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स की बिजली 17 घंटों में बहाल हुई। बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को 45 लाख रुपए की रकम इवन फील्ड अपार्टमेंट्स अटैच करने की दरख्वास्त अदालत से वापस लेने पर लीगल फीस के अखराजात की मद में अदा कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी फर्म को अदायगी करना पड़ गई। ब्रॉडशीट को तकरीबन 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा करने पड़े हैं और ब्रॉडशीट के वकला ने रकम की अदायगी जबकि शरीफ फैमिली के वकला ने रकम वसूली की तस्दीक की है। क्वीन काउंसिल का कहना है कि ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को 20,000 पाउंड अदा किए हैं। ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को रकम इवन फील्ड अपार्टमेंट्स अटैच करने की दरख्वास्त अदालत से वापस लेने पर लीगल फीस के अखराजात की मत में अदा की है।
दूसरी जानिब शरीफ फैमिली का कहना है कि शरीफ खानदान के वकला ने ब्रॉडशीट के दिवालिया होने से गुजरने के सबब मामला जल्द निपटाया। ख्याल रहे कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो और दीगर की प्रॉपर्टीज का पता चलाने के लिए 1999 में असासा जात रिकवरी से मुतालिक बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट की खिदमात हासिल की थी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.